बनाने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है? देखिए जो ये आपने 11 सेक्टर में पूरा शहर है अपना, सीएसपी वार एसडीएम वार जो है, तो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स ही एसडीएम सीएसपीज भी हैं, हमारे इंसिडेंट कमांडर एडीएम और एडिशनल एसपीज भी हों, सारी टीमें जो हम लोग लगा रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीमें हों, चाहे सर्वे की टीमें हों, एंड ऑफ द डे बैकएंड पे कंट्रोल रूम एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, पर फील्ड में पूरी कंट्रोलिंग एसडीएम्स की और एडीएम्स की है और कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स की है इसमें। तो इंसिडेंट कमांडर के हिसाब से वही होता है, पूरा कंटेनमेंट प्लान है जो हमने बोले सर्वे करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ये हमारा कंटेनमेंट प्लान है ये, जो पूरा हम लोग बैक एंड में स्ट्रॉन्ग आईसीटी मेजर से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, कंट्रोल कमांड सेंटर्स के माध्यम से कर रहे हैं, पर फील्ड में कंट्रोलिंग यही इंसिडेंट कमांडर्स करते हैं पूरा। किसी पेशेंट पॉजिटिव आता है, किसी अस्पताल में शिफ्ट करना है, कहीं नया क्षेत्र कोई उभर के आया है कि वहाँ पेशेंट आए, उस क्षेत्र को पूरा हमको उसके ब्लॉक करना है, उस कंटेनमेंट एरिया जो रहता है कि सीमाओं पे ब्रैकेटिंग करनी है, मुर्गा जाली लगानी है, वो पूरा ये लोग करते हैं, वहाँ के घर वालों को क्वारंटाइन करना है वो करते हैं, अगर छोटा घर है होम क्वारंटाइन नहीं हो सकता है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना है तो वो काम करते हैं, सर्वे टीमों में नियंत्रण करते हैं पूरा, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है वो एसडीएम को दी हुई है वो पूरा करते हैं। तो इंसिडेंट कमांडर मतलब ओवरऑल इंचार्ज इन सब एक्टिविटीज़ का, तो हम लोग रेगुलरली एडीएम से एसडीएम को ब्रीफ करते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, खूब मेहनत कर रहे हैं सब लोग। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी, जो हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनके जितना भी स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, जो भी अपने को अगर लगता है हम कहीं पे कि डॉक्टर्स को बड़ा क्लियर बोला है सीएमएचओ ऑफिस में, कहीं भी ऐसा लगता है किसी को तकलीफ हो रही है उसमें, उसको रेस्ट का बोलते हैं हम लोग, कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना टाइप के सिम्टम्स हैं, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन से मेरे कहीं भी सरकारी अमले पे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे प्रशासनिक लाइन रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, इमिडिएट सैम्पलिंग करके आप उसकी टेस्टिंग कराइए। मतलब ये अच्छी बात है कि अधिकांश में निगेटिव आई है सैम्पलिंग अभी जो कराई है हम लोगों ने, पर क्लियर इंस्ट्रक्शन सीएमएचओ ऑफिस में डॉक्टर मालाकार को है, जहाँ भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपको फ्रीडम है मेरी तरफ से कि आप तत्काल इनकी सैम्पलिंग कराइए। कोई डॉक्टर अन्य किसी बीमारी से प्रॉब्लम आए हैं, जैसे हमारे सीएमएचओ साहब को कमर की प्रॉब्लम है, तो उनको मैं जबरदस्ती मैंने घर पे बैठा रखा है, अभी घर पे बैठ के पूरा मैनेज कर रहे हैं सीएमएचओ साहब हमारे, और मेहनत कर रहे हैं खूब, क्योंकि कमर के सीवियर प्रॉब्लम है उसको, वो जुनून है लोगों में काम करने का जो दिख रहा है फील्ड में। तो पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी चिंता भी हम लोग कर रहे हैं पूरे। देखिए वो बात बिल्कुल सही है आप कहना, उसमें पेशेंट का कोई दोष नहीं है, अगर अगर टेस्ट रिपोर्ट लेट आता है तो उसमें जो बिस्तर का लगता है और उसको तो एग्जेम्पशन रहना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट पे सीरियस 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 इसमें विचार चल रहा है, और मेरे ख्याल से शीघ्र कोई निर्णय आपको देखने को मिलेगा इसका। ये टेस्ट किट वाला इशू है, टेस्ट वाला, बाकी तो जो सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंदौर की, मतलब ऑलमोस्ट उनका हर एक दो दिन में फोन आता है, वो सारे लोगों से बात करते हैं, कोई कहाँ रिव्यू करते हैं पूरा, फिर भोपाल में उनका रिव्यू होता है तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स सब इसको इंदौर को जो भी कमियाँ होती हैं पूछते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, जो जी हम लोग मांगते हैं उसके लिए फॉलोअप भी आता है कि आप वो पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से टेस्ट किट छोड़ दीजिए, टेस्टिंग की जो स्पीड थोड़ा बढ़ जाए वो, बाकी तो शहर में जो हम लोग चाह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं हम लोग, सभी सरकार पूरा मुहैया करा रही है और मिनिमम टाइम में मुहैया हो रहा है पूरा। देखिए ये बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है माननीय प्रधानमंत्री जी के भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, कि जो भी ये सैलरीड लोग हैं इन सब सैलरीड लोगों को उनके एम्प्लॉयर्स को डालना जरूरी है सैलरी, कहीं ऐसी शिकायत होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें, और ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है अभी बच्चों से भी फीस नहीं आ रही है स्कूल अथॉरिटीज को, इतना पैसा तो प्रॉफिट जो रहता है सबके पास में कितना कर सकते हैं वो लोग, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी उनको। ये बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी। सर अभी जो सर्वे चल रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बताता, मेरे ख्याल 16-17 लाख तो क्रॉस कर गया वो कम से कम जो है। सर किसानों का भी आरोप है कि उनकी सब्जी खराब हो रही है, मंडी में लाखों सब्जियां पड़ी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसकी अभी तक हम लोगों का मेन था कि अलग अलग स्टेज वाइज चीज़ें होती हैं, हमारी किराना व्यवस्था काफ़ी स्टेब्लिश हो चुकी है, हम लोग चर्चा चल रही है सब्जियों किस प्रकार से करना है, किराना जो सप्लायर्स हैं उन्हीं के नेटवर्क को यूज़ करके हम लोग करें, कि दूसरी व्यवस्था भी है सब्जी वालों के पास में खुद सप्लाई डिमांड लेके क्रिएट करें, उस पर चर्चा चल रही है हम लोग, बड़ा शहर है, पर निकट शीघ्र आपको इस संबंध में अच्छी इसमें व्यवस्था मिलेगी आपको। सर नगर निगम में जो क्षेत्र में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डॉक्टरों की टीमों को लेकर, अभी तो ऐसा मेरे को देखने में नहीं है, कोई क्षेत्र विशेष हो बता दीजिए, क्योंकि मैंने कल भी सारी आरआरटीज की टीम मीटिंग ली थी रात में हमारे 8 से लेकर लगभग 9:30-10 बजे तक,
स्टेडियम के बड़े स्टेडियम में सारे SDM ADM और सारी RRT MME और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स की मीटिंग हुई थी, लगभग 150-200 डॉक्टर्स थे उसमें। ऐसा कोई इशू आया नहीं कहीं क्षेत्र विशेष, अगर आपको जानकारी हो सकती है संभावना ऐसी जो हम लोग की जानकारी में ना आई हो, कहीं अगर आप बताएंगे तो हम जरूर उसको वहाँ के लोकल जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से पूरा सपोर्ट दिलवाएंगे लोगों को। मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई लोकल इंसिडेंस कहीं हुआ होगा, पर जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है चंदन नगर खजराना में तो बहुत काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय लेवल पे सब मेरे संपर्क में हैं और उन सब के माध्यम से बहुत परिवर्तन आया है पिछले, अगर जो आज माने कि 5 अप्रैल तक की स्थिति थी और 5 अप्रैल के 6 अप्रैल के बाद से जो कॉपरेशन निरंतर बढ़ता जा रहा है, कॉपरेशन कहीं ऐसी कमी देखने को मिली नहीं, कोई लोकलाइज हो गया। सर आज पहले शुरुआत करेंगे जितने रेड और येलो जोन के डॉक्टर्स के साथ आपने बैठक की, क्या इस तरह की चर्चा है? देखिए इसमें कोई भी ट्रेंड को समझने के लिए डाटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस प्रकार से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या संख्या है, उसमें बहुत सारे उनके एड्रेसेस रहते हैं। आज अगर हम लोग दो तरीके से हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम शहरी जनता को कि जो इसको जड़ से निकालने की हम लोग प्रक्रिया चल रही है, एक तो पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, उनको स्क्रीनिंग टीम बोली जाती है और वो उस क्षेत्र के लिए फिक्स हो गए हैं, 200-250-300 घर दिए हैं फिक्स हो गए हैं, उसमें कहीं भी सिम्टम्स कोविड टाइप के आएंगे वो हर 7 दिन में 5 दिन में जाते रहेंगे घरों में, दोबारा जाएंगे, उसकी रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये हम लोग इन लोगों को लगातार 3-4 महीने तक भेजते रहेंगे। इस माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं फील्ड से ही घर से ही हम उठा के उनको अगर जरूरत पड़ती है क्वारंटाइन सेंटर ले लें वहाँ ठीक कर दें या कोविड केयर सेंटर में ठीक कर दें। दूसरा हम लोग एक वो ये ऐप पूरा ऐप से और कंट्रोल कमांड सेंटर से गवर्न हो रहा है जो सर्वे हो रहा है, तो कोई भी अगर फील्ड में हमारा कर्मचारी जा रहा है तो ऐप में एंट्री कर रहा है, बैक एंड पे हमारी स्ट्रांग टीम बैठी है, 15-18 स्क्रीन लगे हुए हैं और उससे पूरी कंट्रोलिंग हो रही है। दूसरा जो कल से शुरू किया है हम लोगों ने कि अब कोई भविष्य में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन की हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले भी चल रही थी, पहले जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम SDM के साथ लगी हुई है वो मैनुअल फॉर्म्स भरते थे, वो लोग फॉर्म 1234 ऐसा रहता है, 22A रहता है, वो मैनुअली भर के देते थे। मैनुअली भर के देने में एनालिसिस नहीं हो पाती क्योंकि जब यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसमें फिर संख्या कोविड पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो एनालिसिस दिक्कत आती है, उसको भी ऐप आधारित कर दिया है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है, जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है हम लोगों को, पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके 2 दिन पहले का और बाद का कहाँ का मूवमेंट हुआ है, जैसे सिम्टम्स आए थे उसको, उसकी पूरी ऑनलाइन हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे इन दो माध्यम से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फायदा ये होता है कि जो कोविड पॉजिटिव आया है उस वो जिस जिस से मिला है उसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, उसमें हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, हाई रिस्क लोग रहते हैं और लो रिस्क रहते हैं। हाई रिस्क का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है और काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में वो साथ में बैठ के घूम रहे थे स्कूटर पे या कहीं साथ साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया है, एक कमरे में रहे हैं 5-6 घंटे तक, भोजन किया है, बैठे हैं, गप लगाई है, जैसे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वो भी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हाई रिस्क को हम लोग 28 दिन मॉनिटरिंग में करेंगे, वो भी ऐप के माध्यम से होगी। ये बारीकी से करने से हम लोग ग्राउंड लेवल से ही खुद ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं हमारे या हाई रिस्क लोग हैं, ये पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है पूरी, इनको लक्षण आ रहे हैं इसके आईली सारी के कोविड टाइप के, तो इनको हम पहले से उठा के ट्रीट कर सकेंगे। हम लोग इन दो माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शुरू में ही ऐसा नहीं हो कि लोग घरों में रहें तकलीफ बढ़ती रहे, उनको सांस की तकलीफ आने लग जाए उनको फाइनली, और फिर उसके बाद हम लोग अस्पताल लेके आए तो तकलीफ हो, उस तब तक वो फैल भी जाता है परिवार के मेंबर्स में, परिवार अगल बगल मिल रहा है फैलता भी है। तो दो माध्यम से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरी सख्ती से इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर सकें कोरोना के लिए। इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, इसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो येलो अस्पतालों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं MRTB में MYH में OPDs में जहाँ सैम्पलिंग हो रही है, ये डाटा पूरा एक रखना पोर्टल बना हुआ है इसका, उस डाटा के पोर्टल को ठीक से भरें ये लोग क्योंकि बहुत सारे उसमें फील्ड्स रहते हैं। उसके लिए सारे डॉक्टर्स को आज बुलाया था जिसकी हमने करीबन 1.5 घंटे मीटिंग ली है, पूरा ब्रीफिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, ताकि डाटा आएगा तो इससे हम लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड पे, चाहे सर्वे की टीम्स कर रही हैं, चाहे हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से हो रही है कल से शुरू हुई, उसका एक अलग सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर है, पीछे करीबन 35-40 कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, वो भी मेडिकल कॉलेज के हैं, इंडेक्स कॉलेज के हैं, अरविंदो से ले रहे हैं डॉक्टर्स उसमें, तो स्ट्रॉन्ग टीम बैठ के मैनेज करेगी कि कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब फोन नंबर से भी होगी पूरी वो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के रिजल्ट क्या दे रही हैं फील्ड की एक्शन से और सर्वे से, हमारा ये डाटा जो हमारा कैप्चर होता है पोर्टल्स में उससे ट्रेंड आता है पूरा, तो वो डाटा सही है ताकि हम लोग समझ में आए कि इस एरिया में हमको और ध्यान देना है। अभी हमको मान लीजिए कि किसी क्षेत्र से सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है, किसी क्षेत्र से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, फिर हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या वहाँ हमारी सर्वे टीमें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इसका मतलब
वो चेक करेंगे, वो चेक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शहर को पूरा मुक्त करने के लिए हमको सारे क्षेत्र मुक्त करना पड़ेगा, कोई वीक लिंक नहीं रह सकती है उसमें। तो ये इस तरह से पूरा बारीक लेवल पे जा रहे हैं ताकि हम लोग ग्राउंड लेवल से ही जैसे कि सिम्टम्स आए हम लोग उसको उठा लें, उसको ट्रीटमेंट करा दें, उसका सैम्पलिंग करा दें और पूरा केयर में रख लें हम लोग अपनी। सर, हमको लेकर देखिए, इस समय जो पावन पर्व आया है रमज़ान का, हमने सारे इनके धर्मगुरुओं की और जितने जनप्रतिनिधि हैं जो लोग सब निरंतर संपर्क में भी हैं लोग, क्योंकि इनकी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये कोविड के सिम्टम्स आए थे, पेशेंट्स हुए थे, इनकी सबकी बैठकें ली थी DIG सब हमने। हम लोगों ने यही समझाया था इस समय सर्वोपरि है कि कोरोना वायरस से के को दूर करने के लिए चीज़ें ठीक हुई हैं, चंदन नगर में बहुत शांति हुई है कोरोना के पंडव से, नयापुरा, रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला, ये क्षेत्र बहुत ठीक हुआ है कोरोना के हिसाब से, लगभग 90% से ऊपर ठीक हो गए हैं शहरी ये क्षेत्र जो है। खजराना भी हमारा 80% तो हो गया है, खजराना में थोड़ा बहुत 15-20% कुछ केसेस आ रहे हैं या कुछ कुछ अंदर से वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हम लोगों को। तो कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से काफ़ी ये सुधर गए हैं। इनको समझाया हम लोगों ने यही है कि अपने को मेनली कोरोना वायरस से फाइट करना है, इस समय सर्वोपरि है कोरोना वायरस उसको दूर करें, और कोरोना वायरस दूर करने के लिए जो भी रमज़ान के दौरान मूवमेंट होते हैं बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। नमाज के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं वो एक व्यक्ति जो भी व्यक्ति स्थायी और स्थायी तौर पर धर्मस्थल के अंदर रह रहे हैं वही रहेंगे, और उन्हीं जो उनको दैनंदिनी अपने नित्य रूप से जो उनको पूजा अर्चना या जो भी धार्मिक क्रिया करनी है वही कर सकेंगे उसमें। बाहर से अंदर जा करके कोई धार्मिक कार्य करना या अंदर से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया था। कुछ सामग्रियों को वितरण को लेकर थी वो भी स्पष्ट कर दिया था, जो 15 आइटम है हमारे हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैकएंड पे उसमें व्यवस्थाएं लगती हैं, और दूसरा हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा सड़कों में निकलें, घर पे रहें, क्योंकि तो सुधार जो शहर में हो रहा है इसका प्रमुख कारण लॉकडाउन ही है कि उससे नहीं फैल रहा है, और जहाँ 28 तारीख तक जो लोग वायरस लेके बैठे थे अपने घरों में वही चीज़ें बस आ रही हैं अभी, तो लॉकडाउन से फ़ायदा हो रहा है शहर को, उसके बारे में समझाया। और अन्य तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई भी अभी रमज़ान की वजह से मैंने क्लियर कर दिया है सभी को, रमज़ान की वजह से कोई भी विशेष नहीं, जो लॉकडाउन है, जो सख्ती है, जो कर्फ्यू है, जैसे धर्मस्थल बंद रहेंगे वैसे ही रहेंगे, कोई अतिरिक्त सामान हम लोग इसके लिए नहीं देंगे, क्योंकि अन्य भी धर्मों के सभी जो बीच में त्यौहार आए हैं सभी भी ये निर्देशों का पालन किया है और समान रूप से सबका पालन हो रहा है, सभी धर्मों के लिए इस समय समान रूप से पालन इसलिए कराया जा रहा है कि सर्वोपरि है कोरोना वायरस से दूर करना। किसी प्रकार की रियायत के बाद जो कमर्शियल कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ है उसमें अगर अपन सोचेंगे कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की कोई दुकानें खुल जाएंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी, यहाँ कर्फ्यू लगा रखा है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है एंड ऑफ द डे वो लोकल टीम से, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर से गवर्न होती हैं, फिर अगर हमको लगता है कि यहाँ उचित नहीं खोलना तो हम लोग नहीं खोलेंगे, और हमें हम लोगों का मानना है कि अभी जो फ़ायदा हो रहा है शहर को खोल देने से उसमें नुकसान होगा। आज अगर शहर खुल जाता है तो जो स्थिति मैंने 29 तारीख की रात या 1 अप्रैल में देखी थी वो होने में 5 दिन लगेंगे, इसलिए वो बिल्कुल नहीं खुलेंगी वो, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कहीं कोई संशोधन रियायत कोई बात नहीं है किसी मामले को लेकर। अभी पेशेंट भर्ती है वो रमजान के जो रोजे का पालन करते हैं, तो इससे में क्या? देखिए, मैंने धर्मगुरुओं से अनुरोध किया है कि आप ये कृपया अपनी बाइट में दें, मेरे ख्याल से कुछ ने दिया भी है कि जो भी लोग और ये बाहर की भी जो कंट्रीज हैं जहाँ पर धर्म इस संप्रदाय के विशेष ज़्यादा संख्या में, वहाँ भी ये हुआ है कि जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं या मरीज हैं इनको रोज़ा करने के लिए आपको पहले स्वास्थ्य देखना है, पहले आपको अस्पतालों में भी यही बोला गया है, कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स में ये भी मांग हुई थी कि साहब इसमें रोज़े के लिए सुबह 3 बजे ये चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल हम लोगों ने मना कर दिया है इस चीज़ को कि अभी कोविड फाइट करना है, अभी इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं होंगी। अगर क्वारंटाइन सेंटर रखा है तो जो मापदंड हैं जो हम लोग दे रहे हैं, जो नित्य जो रेगुलर हम लोग का रूटीन बना हुआ है, वो रूटीन में कोई हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कर दिया क्वारंटाइन सेंटर में। अस्पतालों में क्वेश्चन पूछा जैसे आपने बोला अभी, वो भी स्पष्ट कर दिया, जो भी जो मरीज हैं, जो मरीज का जो प्रोटोकॉल है उसी प्रकार से वो प्रोटोकॉल चलेगा, कोई उसमें संशोधन नहीं होगा। सर,